हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश तिवारी एक बार फिर आप सभी का अपने परिवार अभ्युदय अकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है कैलेंडर, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में लगभग एक क्वेश्चन आने रहते हैं। एलएलबी एग्ज़ाम में जहाँ जहाँ पर भी रीजनिंग के टॉपिक हैं, रीजनिंग पूछी जाती है, वहाँ पर आपके कैलेंडर से क्वेश्चन आते हैं। तो आज बहुत ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में समझेंगे कैलेंडर को कैसे निकालना है, उसके बारे में जानेंगे। तो पहले तो आपको पूरे दिन डेट याद होनी चाहिए, जो मंथ होते हैं वो कौन सा मंथ कितने महीने कितने दिन का होता है, ये याद होना चाहिए। इसको याद करने के लिए एक जब बचपन में पढ़ाया जाता, जैसे कि यहाँ पर अगर रखते जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो इस पे आता है ऊपर वाली पे, जो यहाँ पर आता है, जो ऊपर आता है वहाँ पर 31 का होता है वो महीना, और जो यहाँ पर आता है बीच में गड्ढे में, यहाँ कितने महीने का होता है, 30 दिन का होता है। सिर्फ किसको छोड़कर, फरवरी को छोड़कर। फरवरी 28 दिन की होती है लीप ईयर में 29 दिन की होती है, और नॉर्मल ईयर में आपकी फरवरी होती है 28 दिन की। तो ईयर कितने प्रकार से डिवाइड किए गए, अगर ईयर की बात करें तो ईयर दो प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ईयर दो प्रकार के, एक तो आपका नॉर्मल ईयर होता है और ये एक आपका होता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर की बात करें तो इसमें कुल आपके 366 दिन होते हैं। अगर नॉर्मल ईयर की बात करें 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर की बात करें तो आपके 366 दिन होते हैं। एक वीक में कितने दिन होते हैं, अगर एक वीक में पूछें तो कितने दिन होते हैं, एक वीक में 7 दिन का एक वीक होता है, 60 डेज का एक वीक होता है। और अगर 365 की बात करें तो 365 में कितने दिन होंगे, 365 को 7 से डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, 365 को 7 से करेंगे डिवाइड, यहाँ पर जो आएगा आपका 52, आप डिवाइड करके देखना आपका आएगा 52, और रिमाइंडर जो आएगा एक बचता है इसमें। उसी प्रकार 366 की बात करें तो इसमें भी रिमाइंडर कितना आता है, यहाँ पर दो आता है, 52 दिन होता है, 52 वीक होता है एक साल में। आगे की बात करें तो जो अगर कोई लीप ईयर है, अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर का जो पहला दिन होगा, मान लो एक जनवरी 2019 जो लीप ईयर नहीं है, एक नॉर्मल ईयर है, और 31 जनवरी 2019, अगर इस दिन संडे है तो इस दिन भी आपका संडे होगा। और लीप ईयर की बात करें तो अगर लीप ईयर में 1 जनवरी 2020, जैसे लीप ईयर है 2020, तो लीप ईयर 2020 है, अगर इस दिन अगर संडे है तो लास्ट दिन जो होगा 31 दिसंबर 2020 को, उस दिन आपका होगा एक दिन अधिक, संडे है तो संडे से एक दिन अधिक हो जाएगा, मंडे अंतिम दिन समान नहीं होता, उससे एक अधिक होता है। यहाँ आप आगे लिख सकते हैं, साल का प्रथम और अंतिम दिन समान नहीं होता है बल्कि उससे एक दिन अधिक होता है। ये नॉर्मल वर्ष हो गया, लीप ईयर्स की दो चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी कि नॉर्मल वर्ष, नॉर्मल ईयर में आपके 365 दिन होते हैं जिसमें से 52 वीक होता है, और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं जिसमें आपकी 52 वीक और दो बचता है कैरी, रिमाइंडर बचता है। और नॉर्मल ईयर में साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन समान होता है, जबकि लीप ईयर में साल का पहला दिन और अंतिम दिन समान नहीं होता है बल्कि उससे एक अधिक होता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। और एक बात इसमें, जैसे कि 7 दिन का एक सप्ताह होता है, एक सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन। अगर लीप ईयर कैसे निकालना है, किसी वर्ष को चेक करना है कि लीप ईयर कैसे है, उस वर्ष को 4 से डिवाइड कर दें। लीप ईयर चेक करने के लिए, जैसे कि मान लो 1998 कोई ईयर है, अगर इसको लीप ईयर चेक करना है तो इसको कितने से, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों 4 से डिवाइड करते हैं, तो वो जब लगाते हैं क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो है हर 4 वर्ष बाद लीप ईयर आता है, इसीलिए 4 से डिवाइड करते हैं। अगर इसको डिवाइड करें तो पूरा थोड़ी डिवाइड करना है, हमको पूरा नहीं करेंगे, इसका लास्ट का जो अंतिम डिजिट है, क्योंकि ये तो 1900 शताब्दी चल रही है, 1900 क्या है, 1900
चल रही है आपकी 1900 जो चल रही है, आपकी शताब्दी चल रही है जो 98 है, ये आपका ईयर होता है। ईयर कितना होता है? दो, लास्ट का जो दो अंक होता है उसको कहते हैं ईयर। इसको करेंगे 4 से डिवाइड, 4 वन जा 4, के 4 4 दूनी 8, दो बार गया और कितनी के यहाँ पर बचा, एक, एक से दो 4 चौक 16। तो यहाँ पर पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, जिस जिस जो ईयर पूरा पूर्णतः 4 से डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं लीप ईयर, और जो नहीं होता उसको बोलते हैं नॉर्मल ईयर। इसी प्रकार लीप सेंचुरी की बात करें तो जो चार जो सेंचुरी, जैसे ये 1900 अगर 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वह यह एक आपकी लीप सेंचुरी है, अगर नहीं होती है तो यह आपकी एक लीप सेंचुरी नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिए। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं, जैसे डेज जब निकालना होता है तो उसके कुछ कोड याद करने पड़ते हैं, कि सिंपल है कोड, आसानी के साथ आप ये याद कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा कोड, आपको जो दिखाई दे होगा, संडे का कोड एक, मंडे का, संडे का 0, मंडे 1, ट्यूजडे 2, 3, 4, 5, 6, ये याद होना चाहिए, ईजी पड़ जाएगा, याद रहेगा। उसी प्रकार आपके सेंचुरी कोड होनी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। अगर 100 सेमी सेंचुरी चल रही है तो आपकी 5, 3, 1, 10, 100, 200, 300। अगर 400 सेंचुरी है कोई, तो वहाँ पर उसका जो ऑड डेज, ये 8 डेज है, जो 53 10 है ना, ये 8 डेज, ऑड डेज आ रहे हैं। 8 डेज कितने होते हैं? 400 में 0 ऑड डेज होते हैं। जैसे 400 का हुआ, 400 हुआ, 800 हुआ, 1600 हुआ, 1200 हुआ, इनका जो ऑड डेज होगा वो आपका वो होगा 0। तो इसी प्रकार आपके क्वेश्चंस, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। अगर विच ईयर इज लीप ईयर्स, लीप ईयर्स क्या होता है? लीप ईयर याद करने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, किसको? अंतिम दो डिजिट को। तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से ये पूरा कट जाएगा, तो पहला आपका ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ आपका जो पहला है ये आपका सही हो गया, पहला ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया है यहाँ पर। और जो 1998 इसको 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा। 2014 चार चौक 16 चाटती हैं 12 दो कह रही हो, इसी प्रकार ये भी नहीं होगा। तो आपका जो लीप ईयर होगा वो आपका 2004 होगा। और आगे क्वेश्चन की बात करें तो विच ईयर इज नॉट लीप ईयर, जो इसमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है? लीप ईयर नहीं है तो 4 से डिवाइड, कौन 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, 8 हो जाएगा 4 से डिवाइड। अगर 92 की बात करें तो 92 जो है ये भी आपका शायद 4 से डिवाइड ही हो जाएगा, 4 4 1 4 2 8, एक कैरी हुआ 4 3 12, ये भी डिवाइड हो गया। 96 4 के 4 2 8, एक कैरी 4 2 8 16, 4 4 16, ये भी डिवाइड हो गया। तो ये आपका जो 74 है, 4 के 74 अगर डिवाइड करें 4 से तो भाग जाएगा 4 से, 4 के 4 3 34 बना, 4 8 32, 32 गया कैरी बचा 2, तो 2 बचा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें से सही हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो आपको एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको ऑड डेज निकालना आना चाहिए। क्या आना चाहिए सबसे ज़रूरी चीज़ है? आपको ये आना चाहिए ऑड डेज। ऑड डेज निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले तो आपको 7 जितने दिन होते हैं उसमें से 7 से डिवाइड करते हैं, वो ऑड डेज निकालते हैं। जैसे अगर लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर में कितना दिन होता है? 365 दिन, 365 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर ऑड डेज निकालेंगे, जो रिमाइंडर बचता है वही ऑड डेज होता है। यहाँ पर लिख लीजिए यार रिमाइंडर, जो भी यहाँ पर रिमाइंडर बचता है उसको कहते हैं ऑड डेज। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 35, ऐसे कर लेते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे 365 को, तो 7 5 35, एक घटाएंगे तो एक बचा 15 आया, 7 2 14 14 हुआ, उसके बाद एक घटा देंगे, एक रिमाइंडर कितना आया आपका, ये 8 डेज, जो रिमाइंडर आया है ये ऑड डेज। नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डेज होता है? एक ऑड डेज होता है। उसी प्रकार यहाँ पर अगर देखें लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? टोटल 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, तो यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे
तो 7 × 7 = 35, 5 टाइम जाएगा 7 × 5 = 35, 1 कैरी 16 हुआ, 7 × 2 = 14, 14 हुआ कैरी, यहाँ पर कितना रिमाइंडर कितना है, 2, ये शेषफल आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पर कितना आया था 1 आया और यहाँ पर कितना आया 2। तो आपको याद रखना है कि नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 1 ऑड डेज होते हैं, लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। ये पूरा कैलेंडर इसी पर बेस होता है कि ऑड डेज आपको निकालना आ गया तो आसानी के साथ कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जैसे कि अगला क्वेश्चन बात करें तो अगला क्वेश्चन आप आसानी के साथ अगला क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं कि अगला क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका। जैसे कि लिखा गया इफ बी कंसीडर 1 जनवरी 1984 को क्या है थर्सडे, यहाँ पर दिया गया है कि आपको जो 1 जनवरी 1984 को थर्सडे है तो 31 दिसंबर 1984 को क्या होगा। ऑड डेज निकालने के लिए अब यहाँ पर दिन कौन सा है, ये सेम डेट है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 जनवरी 1984 को थर्सडे, 31 जनवरी 1984। अब 84 कैसा है, क्या लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, 84 की बात करें तो क्या है लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर है 4 से उसको डिवाइड कर देते हैं, 4 × 1 = 4, 2 = 8, 4 × 1 = 4, ये आपका क्या है लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो क्या पहला और अंतिम दिन समान होगा, नहीं होगा, उससे क्या होगा +1 हो जाएगा, तो थर्सडे से फ्राइडे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका कि ये क्या होगा फ्राइडे होगा, क्योंकि क्योंकि ये जो 1984 ना ये लीप ईयर है, अगर लीप ईयर ना होता तो सेम डे होता है, अगर ये नॉर्मल ईयर होता है तो पहला साल का पहला और अंतिम दिन समान होता है, 31 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन समान होता है, क्योंकि ये लीप ईयर है तो लीप ईयर होने के लिए एक बढ़ जाता है, इसमें एक दिन बढ़ जाता है, जो 29 फरवरी 28 की जगह 29 फरवरी एक दिन बढ़ जाती है, तो एक दिन बाद होगा थर्सडे तो फ्राइडे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बात करें, इफ बी कंसीडर 1 जनवरी 2018 थर्सडे देन व्हाट डे विल बी ऑन 1 जनवरी 2019, अब ये एक साल कंप्लीटेड है, एक साल कितना मतलब 365 दिन, 1 जनवरी 2018 से 1 जनवरी 2019 तक, ये कैसा है 1 जनवरी 2018 कैसा है, ये है आपका लीप ईयर, ये है आपका नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर कैसे है कि इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेषफल आ जाएगा, पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, तो आपका दो जो 2018 ये आपका लीप ईयर है, ये आपका नॉर्मल, सॉरी ये आपका नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है तो ये कितना ऑड डेज होता है उसमें, नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डेज होता है, जब एक ही ऑड डेज होता है तो अगले दिन तो है 1 जनवरी 2000, तो एक ऑड डेज होता है, तो अगर इस दिन क्या है थर्सडे, तो 1 जनवरी 2019 को क्या हो जाएगा एक दिन बढ़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा इस दिन भी फ्राइडे हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके पूछ सकते हैं डायरेक्ट। 5वां नंबर क्वेश्चन है इफ, वैसे 8 डेज निकालना है और वहां पर काम से एक लीप ईयर और नॉर्मल ईयर आपको पता होना चाहिए। 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि 15 जनवरी 2021 को क्या था संडे, तो 18 अगस्त 2021 को क्या होगा, 15 जनवरी से 18 अगस्त ये निकालना है आपको, 15 जनवरी से 18 अगस्त ये क्या है कैसा है लीप ईयर, ये कैसा है सॉरी ये है आपका नॉर्मल ईयर, 2021 कैसा है आपका नॉर्मल ईयर है, जब नॉर्मल ईयर है तो 15 जनवरी ले लेते हैं, 15 जनवरी के बाद अभी इसमें कितना दिन बचा हुआ है, 15 31 की होती है, 31 में से आपका 15 घटाएंगे, 15 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 16, तो 16 में देंगे डिवाइड 7 से तो निकलेगा यहाँ से क्या ऑड डेज, रिमाइंडर जो होगा वही लिखना है यहाँ पर, 7 × 14 कितना रिमाइंडर आया 2 रिमाइंडर आया हुआ है, कितना रिमाइंडर आया हुआ है 2 रिमाइंडर, क्योंकि 14 में से 16 घटाएंगे 2 बचेगा रिमाइंडर, सिर्फ रिमाइंडर लिख रहे हैं, कितनी बार जा रहे हैं उसको नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं रिमाइंडर,
तो जनवरी में कितना और डेज आए, दो। इसी प्रकार अगर फरवरी की बात करें तो फरवरी कितने दिन की होगी, यहाँ पर 28 दिन की होगी। अगर 28 दिन की होगी तो 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। इसी प्रकार मार्च कितने दिन का होता है, मार्च होता है आपका 31 दिन का। 31 में से 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 28 31 में से 28 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। तो ऑड डेज कितना आया, रिमाइंडर कितना आया, 3। रिमाइंडर जो होता है वही उसी को कहते हैं ऑड डेज। इसी प्रकार अगर मार्च की अप्रैल की बात करें, 30 दिन होता है अप्रैल में, अप्रैल में कितना होता है, 30 दिन। 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 7 21 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा 28 आएगा। 30 में से 28 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। यहाँ पर 2 रिमाइंडर आएगा जो आपका, यहाँ पर 2 रिमाइंडर आ जाएगा। इसी प्रकार अप्रैल हो गया, मई में, मई 31 का होता है तो यहाँ पर भी 3 रिमाइंडर आएगा। तो अब इसको आसानी लिख लेते हैं। जैसे अगर जनवरी, जनवरी में कितना आया था आपका रिमाइंडर, कितना आया था, 16, 2 रिमाइंडर आया था जनवरी का, प्लस सभी रिमाइंडर को ऐड करते चलते हैं। फरवरी में 0 था, मार्च में 3 था, अप्रैल में 2 था, मई में 3 हो जाएगा, जून में 2 होगा 30 का महीना, और जुलाई में होगा 3 31 का महीना। अब आता है आपका अगस्त। अगस्त कहाँ तक अगस्त लेना, सिर्फ 18 तक अगस्त लेना है, उसके बाद नहीं। 18 से 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 7 चौक 7 दूनी 14, 2 जाएगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, 4 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर अंत में क्या लिखेंगे, 4। आप सबको जोड़ते हैं, सबको जोड़ के क्या करेंगे, 7 से करेंगे डिवाइड, ये ना, 4 3 7। अब ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि, और डायरेक्ट भी करते हैं, और या तो सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करो तब आएगा आपका रिमाइंडर, जो आएगा वही आपका दिन हो जाएगा, उसी में आपको जोड़ दिया जाएगा। या ऐसे करते हैं कि 4 3 7 ये कट गया 7 से, 3 2 5 5 2 7 ये पूरा कट गया आपका, इतना 3 2 5, 5 क्या आया आपका यहाँ पर, 5 क्या बचा आपका, रिमाइंडर 5 बच गया आपका रिमाइंडर। 7 से 5 में टेबल जाएगी नहीं, जाएगी नहीं, तो 5 क्या है आपका बचा हुआ। तो संडे में क्या करेंगे, क्योंकि आगे बैक डेट नहीं पूछ रहा है तो फ्रंट, आगे की डेट पूछ रहा है, तो यहाँ पर 5 ऐड कर देंगे। तो संडे में 5 ऐड करेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो ऑप्शन नंबर इज आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फ्राइडे। इस प्रकार से क्वेश्चन, अगर बैक डेट का क्वेश्चन पूछता, अगर ये जनवरी में 2021 का है और ये आपका पूछ ले पिछले साल का 2020 का, तो आपको माइनस करना होगा प्लस के स्थान पे। छठा क्वेश्चन भी आपको सेम लगाना है, ये है बैक डेट का, बैक डेट का है तो बैक डेट पे जाके लगाते हैं, बहुत दूर नहीं जाना है, 22 दिसंबर, 22 सितंबर 2021। तो पहले हम 22 सितंबर का निकाल लेते हैं, 22 सितंबर, 22 सितंबर को कितने, 22 सितंबर में कितने और डेज होंगे आपके, 7 21, 21 में से एक कितना बचा, एक बचा, एक रिमाइंडर बचा, तो एक और डेज हो गया। तो उसके बाद सितंबर के बाद क्या आता है, अगस्त। अगस्त में कितने और डेज होते हैं, अब याद होना चाहिए, अगस्त में 31 का महीना होता है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 कितना बचेगा, 7 चौक 28, 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 और डेज। अब लेना है 21 11 जुलाई, 11 जुलाई नहीं रखना है क्योंकि पीछे से आ रहे हैं, तो जो 11 से 31 के बीच है उसको लेना है। 31 में से क्या करेंगे, सबसे पहले 31 में से 11 घटाएंगे तो 0 आएगा, 2 आएगा, तो कितना आएगा, 20 बचेगा। 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 7 दूनी 14, 6 रिमाइंडर आएगा टोटल। तो आपको ये सब जोड़ना, 6 3 9 3 12। अब 12 12 आ गए, इन सबको जोड़ने पर कितना आया, 12। तो 12 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, करेंगे 7 से डिवाइड, 7 5 7 21 7, कितना आया रिमाइंडर, 5 यहाँ पर बचता है रिमाइंडर, ये 5 बचता है, तो 5 जो बचा है ना रिमाइंडर, इसमें बिजनेस डे में, वेंसडे जो लिखा है यहाँ पर क्या करेंगे, 5 ऐड, 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वेंसडे के ऐड नहीं करना है यहाँ पर, करना है आपको माइनस। क्यों माइनस करना है, क्योंकि बैक डेट पूछा जाए, यहाँ पर आपको करना है माइनस, माइनस करना है तो वेंसडे के पीछे जाएंगे,
सही है ना? तो इसमें सितंबर में एक आता है, अगस्त में तीन आएगा, यहाँ पर 31 होता है, 20 आएगा, 20 में से 7 दूनी 14, ठीक है, 6 आएगा, 6 3 9 1 10, ये गलत हो गया ना, 6 3 9 1 10, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो अभी यहाँ पर आएगा कितना, 3 रिमाइंडर बच रहा है, 10, यहाँ 5 नहीं, यहाँ पर ऐड करना, ऐड में गलती हो गई थी, 6 3 9 1 10, 10 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर कितना आएगा, 3, तो इसमें 5 नहीं, इसमें 3 ऐड करेंगे, 3 ऐड नहीं करेंगे, 3 माइनस करेंगे, बैक डेट पूछा है क्वेश्चन, तो वेंसडे के बाद आएगा, पीछे जाएंगे ट्यूसडे होएगा, ट्यूसडे के फिर पीछे जाएंगे, एक तो आपका मंडे हो जाएगा, मंडे से एक पीछे जाएंगे आपका संडे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा संडे। विच कैन बी द फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी, किसी भी सेंचुरी का पहला दिन हो सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको ऐसे याद कर लीजिए। अब विच डे विल बी 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा, इस दिन किसका जन्म हुआ था, महात्मा गांधी का। इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये 1800 को, जो ये 1800 ना, 18वीं शताब्दी चल रही है, 1800 इसके एक पीछे चले जाएंगे, एक पीछे जाएंगे तो कितना आएगा, ये 18, एक साल पीछे 68, क्योंकि पहले तो लेते हैं कंप्लीट ईयर, कंप्लीट ईयर कौन सा है, 1868, 1868 में क्या है, 1800 निकालेंगे तो 1600 ये है क्यों, और प्लस 200 है, और प्लस 68 है, ये इतना है ना, ये इतना है। अब यहाँ पर याद रखिए क्या क्या था आपका, एक तो 18, एक तो 1600 था, ये आपको यहाँ पर कोड भी याद करना होता है, जैसे कि मंथ का कोड कितना होता है, और ईयर सेंचुरी कोड भी याद करने लेते रहती है, लेकिन यहाँ पर हम बिना कोड के बता रहे हैं कि जिससे आपको कोड नहीं याद करना पड़े, तो 1600 लिखेंगे, 1600 में फिर 16 2 1800 होता है, क्योंकि 1600 को पता है हमको, तो उसके बाद 68 लिखेंगे, क्योंकि एक साल पीछे गए हैं, तो 1600 का कोड क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि 400 का जो ऊपर सेंचुरी कोड बताया है ना, वो 0 है, 4 दुनिया 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 1600 का कोड क्या होगा, 0, 200 का भी वहाँ पर बताया है, 200 का क्या होता है, 53 510, तो 3 आएगा, क्योंकि 53 क्या, 5 किसका होता है, 100 का, 100 के बाद 200, 53 आएगा, 3 आएगा, 53 10 है ना, 100 200 300 400 का। फिर अब इसमें क्या है, आपको लीप ईयर निकालना है और नॉर्मल ईयर निकालना है। लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें 4 से करते हैं डिवाइड, तो 17 चौका 68, 17 लीप ईयर आएगा, एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज, 2 ऑड डेज होता है, तो 17 17 में कितना होगा, 17 दूनी 34 ऑड डेज आएगा। अब इसमें 68 में से अगर माइनस करेंगे इसको 17 को ना, क्यों करते हैं, क्योंकि 68 में जब -17 करेंगे तो हमको लीप ईयर पता चलेगा ना, तो यहाँ पर लीप ईयर कितना आएगा, 1 आ गया, 6 में से 1 गए 5, कितना आया 51, एक 51 ईयर जो है लीप, वो है नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर में एक, नॉर्मल ईयर में एक ही ऑड डेज होता है, तो 51 ऑड डेज, इन सबको अब जोड़ना है, 4 1 5, 5 3 8, 5 3 8, 4 3 7 1 8, 5 3 8, 88 डेज टोटल हो चुका है, और इसको करते हैं 7 से डिवाइड, तो 7 1 के 7 एक बचा, 18 7 2 14, तो 4 नॉर्मल डेज, 4 रिमाइंडर आ चुका है, यहाँ पर 4 रिमाइंडर आ चुका है, तो ये आपका जो है अक्टूबर 1800, जो 1869 ये तो ख़त्म हो चुका है, ये 1800 का। अब हमको देखना है कि जो आ रहा है ना, ये कितना यहाँ पर रिमाइंडर आया आपका, 4 आया है, ये कितना रिमाइंडर आया है वैसे निकालने पर, 4। अब देखना है कि जो 1869 से जनवरी फरवरी मार्च, 1869 कैसा है, लीप ईयर तो है नहीं, तो यहाँ पर अभी पीछे कोड हमने पढ़ा, अगर अब डायरेक्ट करते हैं, अगर 31 का महीना है, जनवरी 31 का है, तो 3 ऑड डेज लगाते चलते हैं, उसके बाद फरवरी 28 के 0 ऑड डेज, मार्च 3 ऑड डेज, अप्रैल 2 ऑड डेज, मई 3 ऑड डेज, जून 2 ऑड डेज, जून 2 हो गया, जून जुलाई 3, अगस्त
अगस्त, अगस्त के बाद नवंबर, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर 30 का होता है, 2 odd days, अक्टूबर 2 तक, तो 2 odd days ये आपका पूरा हो गया, और प्लस ये आपका 4 तो है ही। तो अब यहाँ पर इसको करना है 7 से डिवाइड, सब 7 से डिवाइड करते हैं, फिर वही देखना है कौन कौन सा करता है। 3 2 5 2, ये तो पूरा चला गया आपका, समझ लो। 3 यहाँ पर चले जाते हैं, ये 3, ये कट गया पूरा आपका, ये पूरा हो गया ख़त्म। अब 3 3 6, 3 9 9 4 13, तो 13 को करना है 7 से डिवाइड, 7 21 7 6 odd days, कितना आया इसमें, कितना आया 6 odd days आ रहा है। तो 6 किसकी कोड होती है, ऊपर बताया ना हमने, 6 6 किसका कोड होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 6 किसका है, सैटरडे का, 6 किसका है, सैटरडे, यहाँ पर शताब्दी का कोड देख सकते हो, 0 ये ना, तो 6 किसका है, सैटरडे। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, लास्ट में सैटरडे आ जाएगा, तो इसका क्या ऑप्शन होगा, 2 अक्टूबर को कौन सा दिन था आपका, सैटरडे, ऑप्शन नंबर 1। 9th क्वेश्चन आप लोग आंसर करिए और बताइए कौन सा दिन आ रहा है, ये आपके लिए आंसर क्वेश्चन है। सेम ऐसे निकालना है जैसे इसका निकाला है, कि सबसे पहले रनिंग ईयर है, रनिंग ईयर से एक एक वर्ष पीछे जाएंगे 1946 में, 1946 को कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या 1900 लिखेंगे, 1900 नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 1946 को, तो एक तो 1600 हो जाएगा, 16 3 19 हो जाएगा, फिर 300 लिखेंगे और फिर 46 लिखेंगे, प्लस 46 लिख देंगे। अब 46 में 4 से डिवाइड करके लीप ईयर निकाल लेंगे, लीप ईयर जितना आता है उसको 200 मल्टीप्लाई करके ऑड डेज निकाल लेंगे, इस प्रकार से इसको आपको लगा के आंसर बताना है क्या आंसर आ रहा है। विच सेंचुरीज लीप सेंचुरी, लीप सेंचुरी निकालने के लिए बताएं कि जो भी 400 डिवाइड, 4 से 400 से डिवाइड करने पर जो पूर्णतया डिवाइड हो जाता है वो लीप सेंचुरी होता है। तो यहाँ पर कौन सा पूर्णतया डिवाइड हो जा रहा है, क्या ये होगा, नहीं होने वाला, ये भी नहीं होगा, 1600 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा, 1600। तो समझ में ना आया हो तो कमेंट करिए, पूछिए, और डायरेक्ट आप मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।